हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्होंने 5 टाइम बोनस, ठीक है दोस्तों, बोनस और दोस्तों 5 टाइम डिविडेंड, वो भी कंटिन्यू। मतलब कि दोस्तों आपको डिविडेंड कंटिन्यू मिलते जा रहा है। डिविडेंड एक सिंपल और बहुत अच्छी चीज़ होती है जो आपको स्टॉक मार्केट में देना ही चाहिए। अगर ये दोस्तों डिविडेंड मिलते रहा आपको, तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह। आप मान लो कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो और उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो अच्छी बात है। ऊपर से आपको स्टॉक में भी पैसा मिलेगा और ये स्टॉक दोस्तों आपको 5 टाइम बोनस भी दिया है। मतलब सोच सकते हो, जो स्टॉक बोनस देता है वो समझ सकते हो, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है दोस्तों, कीमत हम नहीं लगा सकते। अगर वो 5 रुपये का स्टॉक है या मान लीजिए दोस्तों 10,000 का स्टॉक है, अगर वो बोनस दे रहा है तो हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते। कीमत उसकी बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो आपका शेयर का वैल्यू डबल कर देता है। आपके पास 100 है तो 200 कर सकता है वो, अगर आपके पास 200 है तो आपका वो स्टॉक 400 भी कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत रहती है उसमें। तो कौन सा स्टॉक है जो दोस्तों विदाउट फेल आपको डिविडेंड बोनस और ये जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा, उसके बाद दोस्तों स्टॉक में भी अच्छा खासा मूव है, वो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अभी क्यों खरीदना है हमें वो स्टॉक? क्योंकि आपको वो स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, अराउंड 50% एग्जैक्ट भी देखे तो आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। एग्जैक्ट अगर हम 52 वीक हाई से देखते हैं, लेकिन है तो दोस्तों 40% डिस्काउंट में, ठीक है। तो ऐसी कंपनी आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड की बात की है हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने बोनस की बात की है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं भाई डिविडेंड के मामले में कंपनी कैसा। हाँ, तो डिविडेंड के मामले में मैंने कितना बोला था, 800%, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, डिविडेंड जो भी आपको बताया जा रहा है ये परसेंट में, ठीक है, फेस वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कितना बोला, 800%, लेकिन ये कभी कभी ऐसा है कि 900% भी आपको दे दे रहा है, ठीक है, 900% भी, जो कि बहुत अच्छा है। और लास्ट टाइम तो दोस्तों इसने जो फर्स्ट टाइम दिया था 900 से भी ज़्यादा दिया था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कब कब ये बोनस दे रही है भाई और कब नहीं दे रही है। तो बोनस का अगर हम देख लेते हैं कौन से साल में दी है, तो दोस्तों 2016 में दिया है, 17 में भी दिया है, 18 में भी दिया है, 19 में भी दिया है और 20 में भी दिया है, और अभी तो 20 है ही, ठीक है। हो सकता है भगवान की दया रही, कंपनी अच्छे से काम काज कर रही, तो आपको 2021 में भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो सोचिए डिविडेंड ये दोस्तों कंपनी छोड़ नहीं रही है, ठीक है। और इसका स्टॉक का प्राइस है केवल कितना, 800 रुपीज़, ठीक है, स्टॉक का प्राइस है 800 रुपये। तो दोस्तों विदाउट फेल ये कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो दोस्तों एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट होना था 100 रुपीज़, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 110 रुपीज़, तो ये जो 10 रुपीज़ है ना वो आप लोगों में डिवाइड कर देगा भाई, सब लोगों को देगा। और मान लीजिए कि आपके पास है, मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपये का वैल्यू है, ठीक है, 100 रुपये का वैल्यू का स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपये में आपने खरीदा है, तो दोस्तों आपको अगर 2 रुपये देती है तो 2% हो जाएगा, 2 रुपये आपको दे दिया जाएगा, तो अब आपका स्टॉक का प्राइस हो जाएगा कितना, 102 रुपीज़। तो ये होता है डिविडेंड जो अपने हिसाब से देती है, कुछ कंपनी कुछ कम देती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों बोनस के बारे में, ठीक है। बोनस के भाई, बोनस भी हम देख लेते हैं कंपनी कैसी बोनस दे रही है। तो अगर बोनस के मामले में देखो, वाओ, यहाँ पर देख सकते हैं भाई रेशियो, यहाँ देख लीजिए रेशियो में बताया गया है बोनस, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे फर्स्ट टाइम कंपनी ने बोनस दिया था 3:5 का, ठीक है, 3:5 का। उसके बाद ये कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड ऐसा बोनस मिलेगा तो भाई आपको करोड़पति बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्या कोई नहीं रोक सकता, रियल में मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई कंपनी 5 बार 5 टाइम या आपको 8 टाइम, ठीक है, 5 या 8 टाइम अगर आपको बोनस दे देता है, वो भी 1:1 का, तो आप एक बहुत बड़े, मतलब आप उन अमीर और रईस लोगों में काउंट होना स्टार्ट हो जाओगे जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये 1:1 जो बोनस है दोस्तों ये बहुत खतरनाक होता है। कंपनी ने 2 बार दिया, चलिए, लेकिन दिया, उसके बाद फिर दिया 1:2, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो कंटिन्यू अगर हम देखते हैं बोनस की बात कर लेते हैं, तो भाई कब से कब दे रही है भगवान, ठीक है। तो पहले तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, अगस्त में 1986 में दिया था, उसके बाद कंपनी ने 2006, 2008, 2013, 2017, मतलब 17, अभी भी 17 के बाद 18, 19, ठीक है, अभी 20 चल रहा, 2 साल गैप है, क्योंकि थोड़ी बहुत कंपनी में कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से, मान लीजिए कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन के फेर में है, तो दोस्तों वहाँ पर इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो नहीं मिला। लेकिन ये देखिए, जब तक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने धमाकेदार प्रॉफिट दिया। और कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि यार ऐसी कंपनी को 10 साल 20 साल होल्ड करके भी क्या फायदा। आप सोच लो, आपको दोस्तों जहां पर 800% डिविडेंड मिलता हो,
ठीक है, वो भी फेस वैल्यू पे, और उसके बाद आपको बोनस मिल जाता हो। मान लेते हैं कि 1:2 भाई, मान लेते हैं कि 1:2 मिला आपको, 1:2 सब यहाँ पर नॉर्मल में अगर हम एवरेज देख लेते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, नहीं, कंपनी दो तरह की होती है, एक होता है दोस्तों प्रोफेशनल वे में काम करता है, एक होता है कि हमारे बाप ने काम किया तो हमारे दादाजी काम कर हमारे दादाजी काम किए हैं तो अब हम काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा अपने लोग करते रहते हैं करते रहते हैं तो वो बिज़नेस सही नहीं होता, ठीक है। और ये जो है बिज़नेस दोस्तों एक प्रोफेशनली वे में होता है कि नहीं, कुछ म्यूचुअल फंड वाले हैं, कुछ मान लीजिए कंपनी के भी अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं तो वो भी इन्वॉल्व होते, तो उनका नाम लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है सारा पब्लिक को दे दिया जाता है। फिर भी अगर हिसाब से देखते, अगर कंपनी ख़राब रहती तो यहाँ पर देख सकते हैं 60% जो रहना चाहिए था प्रमोटर्स के पास, वो किसके पास है दोस्तों, डोमेस्टिक वालों के पास है, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास है। सोचिए इतनी बड़ी रकम, 60% का मतलब मतलब अरबों करोड़ों से तो ज़्यादा ही होगा भाई, इतना पैसा इन्होंने लगाया होगा तो सोच रहे हो। और पब्लिक को कितना मिला दोस्तों, अदर को कितना मिला, केवल 20%, और उसके पास देख सकते हो FII में कितना है दोस्तों, ओनली 19% है, ठीक है, 19.52, मान लीजिए 20% के आसपास है। तो दोस्तों कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो मैं अभी आपको बता सकूँ। और सॉरी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपको डिविडेंड दे रहा है वो फेस वैल्यू पे दे रहा है, ठीक है, बुक वैल्यू पे नहीं दे रहा, वो फेस वैल्यू पे दे रहा है, ठीक है। एक बार और मैं आपको बोल देता हूँ, फेस वैल्यू पे दे रहा है भाई, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी ने क्यों अभी कोई डिविडेंड नहीं, अभी डिविडेंड दे रही है लेकिन अभी इसने बोनस क्यों नहीं दिया, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी का जो है प्रॉफिटेबल थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, सॉरी, पहले यहाँ पर देख सकते हो, पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए नेट प्रॉफिट का लाइन है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, इस लाइन में आपको नेट प्रॉफिट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे हम पहला वाला देखेंगे, सबसे पहला वाला अगर हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है, 2018 में अगर हम देखते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट कम हो गया था, कितना हो गया था दोस्तों, 1600 के आसपास हो गया था। फिर 2019 में कितना हो गया था, यहाँ देख सकते हो 2300, बहुत अच्छा चला गया था, लेकिन दोस्तों फिर से इसका क्या हुआ, 1300 के आसपास हो गया 2019 जुलाई में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही 19 खत्म होने लगता है इसका नेट प्रॉफिट और कम होता है, यहाँ पर देख सकते हो 1900 के आसपास, फिर ऑटोमेटिक 1300 हो जाता। तो ये गिरावट जो हुई है 2019 में, इसकी वजह से कंपनी ने थोड़ा बहुत बोनस नहीं दिया ना। तो कंपनी अच्छी है भाई, कंपनी आपको काम काज भी अच्छा कर रही है, और ऐसे बात नहीं, मैं ये जो कंपनी आपको बताया टॉप क्लास की है, मतलब ये जो फील्ड में है, ये जो पीर कंपनी है, ये दोस्तों अपने हिसाब से टॉप क्लास में, ठीक है। कंपनी का नाम यहाँ पर देख सकते हो, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, ठीक है, और ये कंपनी आपको मिल रही है बहुत सस्ते प्राइस में, चाहे आप NSE में देख लो, BSE में देख लो, कहीं पर भी देख लो, मार्केट की वजह से गिरा हुआ ये स्टॉक ने दोस्तों 1600 के आसपास हाईएस्ट को टच करने की कोशिश किया था, लेकिन ठीक है ये चलता था केवल 1300 के आसपास, ठीक है। अब बोलेंगे भाई ये तो 1300 का स्टॉक है, क्या दम है भाई, 5 बार बोनस दिया है कंपनी, अगर कंपनी ने बोनस नहीं दिया होता तो यही कंपनी अभी मारुति को भी फेल कर देती, ठीक है। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। और एक चीज़ याद रखिएगा, नॉलेज और आइडिया कहीं से भी मिले, चाहे तो वो बच्चे से मिले, चाहे एक कोई भी क्लास के मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, कोई भी क्लास के लोगों से मिल जाए तो उस आइडिया को जरूर देखना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है। कुछ बड़े लोग भी होते हैं जिनका आइडिया फेल हो जाता है, लेकिन कुछ छोटे और गरीब लोग होते हैं जो रोड पे पड़े हुए रहते हैं, जिनका नॉलेज और आइडिया कभी कभी आपको काम आ जाता है। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का प्राइस देख के आप ये मत सोचिएगा कि यह कंपनी कहाँ कुछ भी नहीं है भाई, 5 बार बोनस दिया है, ठीक है, बहुत कम ऐसी कंपनी है जो आपको इस तरह का आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कंपनी आपके रेडार में रहना चाहिए, और अभी नहीं, जैसे मार्केट इंप्रूव होना स्टार्ट होगा उस टाइम से हम खरीदना भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव था इस वीडियो के पीछे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में बहुत सारे ऐसे वीडियोज बनाए जाएंगे आपके लिए, पोर्टफोलियो बनाए जाएंगे, और कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक है जो मार्केट रिकवर लेना स्टार्ट होगा तो हमें दम भर खरीदना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो पाए।